पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक कुलपति कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय के कई शिक्षक व कर्मचारी शामिल रहे। बैठक में मुख्य रूप से छात्र संघ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर आगामी रणनीति तय की गई। आपको बताते चलें कि वर्ष 2018 के छात्र संघ चुनाव को 15 सितंबर के भीतर संपन्न करने का निर्णय लिया गया है। यह चुनाव पूरी तरह लिंग ढो कमेटी के नियम के मुताबिक होगा। छात्र संघ चुनाव की तिथि और चुनाव से संबंधित अन्य कार्यक्रम 31 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जो आपत्तिजनक मुद्दों पर परिणाम निकलने के बाद उसे चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वहीं 29 अगस्त तक छात्रों को चुनावी प्रचार बैनर पोस्टर हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। पिछले चुनाव में किसी पद के लिए लड़ चुके छात्र इस बार चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य के अलावा किसी अन्य पद में अपने भाग्य को नहीं आजमा सकेंगे। चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता से बात करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे ने कहा, ऑफिस बियरर के लिए एक बार चुनाव है, तो ये विवादित बिंदु है। और नहीं, लड़कों के बीच में, मैं चूंकि लड़कों के बीच में उसी दिन से घूम रहा हूँ। अरे भाई, आज टाइम कर दे रहे ना कि जो लड़की वाला चुनाव लड़ चुका है वो एक स्कूटी ग्रुप मेंबर को छोड़ के बाकी नहीं करेगा। पिछले बार शायद चुनाव में कोई बात आई थी, ये हुआ था कि FIR दर्ज हो गया है, तो वो चुनाव नहीं, जब तक ट्रायल जो फैक्ट है वो लड़के जो बता रहे हैं वकील साहब, ऐसा है वो पॉइंट को थोड़ा पढ़ लिया जाए, इतना जल्दी जो बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो पॉलिसी एक बार बन जाए क्योंकि आगे तक काम करेगा। ये देखिए लिखा है, इसको पढ़ लीजिए, दैट इज टू से ही शुड नॉट हैव बीन ट्रायड पब्लिक एंड पब्लिक आर कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस आर मिस डेमिनर। द कैंडिडेट शैल ऑल्सो नॉट हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द यूनिवर्सिटी। ये तो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये तो नहीं, यूनिवर्सिटी का जो है वो तो हमारे पास है। विद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2018-19 के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आज सभी संकायाध्यक्ष, मुख्य नियंता, प्रतिकुलपति और मैं स्वयं उपस्थित था, जिसमें कि विश्वविद्यालय में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कुछ नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद छात्रों में कई बिंदुओं पर संतोष रहता है, तो मेरा ये दृष्टिकोण था कि जो विवादित विषय हों जिन पर छात्रों को निर्णय चाहिए उसमें पहले निर्णय हो जाए, जिससे कि छात्र जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि हमारे लिए ये नियमों की बाध्यता है। उसमें दो तीन विषय थे, एक तो बिंदु ये था कि
जो लिंगदो कमेटी का रिकमेंडेशन है उसमें था कि ऑफिस बियरर के लिए मतलब पदाधिकारी के चुनाव के लिए केवल एक बार कोई चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो प्रत्याशी हारा हो या जीता। मतलब छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री या पुस्तकालय मंत्री के लिए केवल एक ही बार वो चुनाव में लड़ सकता है। कार्यकारिणी के चुनाव के लिए वो दो बार हिस्सा ले सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय था कि जिस छात्रों के लिए कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, मान लीजिए उनके ऊपर कोई मुकदमे हैं, तो पहले ये परिचर्चा चल रही थी कि शुरू में छात्रों के बीच में ये भ्रम भी था कि जिसके खिलाफ इस तरह के मुकदमे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो समिति ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जब तक वो सजा नहीं उसको मिली है तब तक वो चुनाव लड़ सकता है लिंग दो कमेटी के नियमों के अनुसार। तीसरी बात ये थी कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए पहली बार विश्वविद्यालय में एक सलाहकार समिति बनी जिसमें प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्य नियंता एवं सभी संकाय अध्यक्ष होंगे। अगर कोई बिंदु विचारणीय ऐसा होगा जिसमें कि नीतिगत चीज़ें होंगी तो ये कमेटी डिसीजन ले करके और चुनाव अधिकारी को बताएगी इन नियमों के तहत आप निर्णय लीजिए। इससे क्या है कि छात्रों के बीच में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ज़्यादा विश्वास होगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। बाकी चुनाव संपन्न कराने के लिए 31 तारीख को कार्यक्रम बना करके और घोषित किया जाएगा, क्योंकि इस बीच में हमको जिला प्रशासन से निर्णय लेना होगा कि क्या क्या वो देंगे, कब हमको पुलिस की फोर्स चाहिए और कब उपयुक्त समय होगा जिसमें कि चुनाव कराया जा सके। लेकिन ये एक समिति के द्वारा ये निर्णय हुआ कि 15 सितंबर से पहले चुनाव करा लिए जाए। बाकी जब लिंगदो कमेटी के हिसाब से जो चुनाव होने हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। परिसर में कहीं भी पोस्टर, बैनर, स्टिकर अगर लगे हैं तो 29 की शाम तक प्रत्याशियों, संभावित जो भी प्रत्याशी हैं उनसे आग्रह है कि वो हटा लें, नहीं तो उसके बाद वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लिंगदो कमेटी में स्पष्ट लिखा है किसी भी तरह का वाहन का काफिला नहीं जाएगा, किसी जानवरों का काफिला नहीं जाएगा, किसी तरह के झंडा, बैनर, पोस्टर लगा करके वो नहीं चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो लिंग दो कमेटी के हिसाब से शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए ये बैठक हुई थी। पुनः 30 अगस्त को इस समिति की बैठक होगी। अगर कोई बिंदु विचारणीय आते हैं तो उस पर कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुख्य बिंदु थे जिन पर छात्रों को भ्रम था उसको आज समिति ने निर्णय लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि कौन लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।